भगवान कृष्ण और अर्जुन जी सुबह सुबह अपनी तरफ मॉर्निंग वॉक में निकले। मॉर्निंग वॉक में निकले तो देखते जा रहे थे तो एक गरीब ब्राह्मण देखा उनको, और उसकी स्थिति देख के अर्जुन जी को दया आ गई। अच्छा, क्या ये बहुत तकलीफ वाला है। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने 100 अश्वरफिया है ना सोने की उसको दी कि इससे इसकी बुढ़ापा इसका निकल जाएगा, मस्त निकल जाएगा, ये रोज रोज मांगने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना खुश हो गया, इतनी दुआएं दी और वहां से रवाना हुआ। फिर सोचने लगा ये 100 अश्वरफिया का क्या करूंगा, मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, घर में ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, सब करूंगा, टेंशन में घोड़ा गाड़ी करूंगा, सब करूंगा, उसके दिमाग में चालू हो गया सब। चलो घर पे गया, जाने वाला था कि रास्ते में चोर मिल गया, उसने इसको चाकू बताया। अच्छा, बोले ये दे नहीं तो मारा जाएगा। अब ये करता ना क्या करता, उसने वो पूरा दे दिया, वो चोर खींच के ले गया। ए राजे, दूसरे दिन वापिस है दोनों मॉर्निंग वॉक में निकले और वहां सामने वही ब्राह्मण आ रहा है। तो ये तुझे बोले कल तो तुमको 100 दिया तो गया क्या? वो रोता हुआ बोला सर क्या करूं, ऐसे ऐसे हुआ, मेरे पास 100 अश्वरफिया थी और चोर मेरे से लेके गए। तो भी अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने क्या किया, उस जमाने का सबसे बढ़िया जो माणिक होता है ना, वो उसको दिया कि ये इससे बढ़िया है तेरे लिए। तो वो जाते जाते अभी सपने और बड़े बड़े देखने लगा कि पहले तो ये तभी 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। घर पे गया तो उसकी मिसेज थक्कार के सोई हुई थी, इससे बोला मैं सुबह इसको उठाऊंगा। तो एक पुराना घड़ा पड़ा था, उसमें छुपा दिया कि सुबह जब उठेगी तो अपने बात फ्रेश मूड से करेंगे। ये रात को थक के सोया हुआ था कि उसकी मिसेज की नींद खुल गई, वो पानी का घड़ा लेके गई, रास्ते में उसका घड़ा फूट गया। तो वापिस आई और जो पुराना घड़ा था वो लेके वहां पानी भरने गई। वो पानी भरने गई तो वो माणक उस पानी में चला गया। ये सुबह उठा और वापिस इसको बोला कि भाई मैं रात को ऐसा लेके आया हूँ, माणक दिखाऊंगा, ये तुम्हारा वो कहा घड़ा का है, पुराना घड़ा। बोले वो तो मैं पानी भरने गई थी। तो बोला घड़ा था तो उसको चेक किया तो उसमें माणिक नहीं। तो बोला अपना किस्मत ही खराब है। वो वापिस थर्ड डे वापिस दोनों मॉर्निंग वॉक में निकल रहे और सामने से आ रहा है। बोले क्या हुआ, बोले ये हालत हो गई। तो भगवान कृष्ण को देख, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे। अर्जुन बोला भाई अभी तुम्हारा किस्मत ही ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। तो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, खेती करे बड़द मरे। जैसा जो आदमी साला दिन का किस्मत का खराब होता है ना, उसका कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही होता है। तो भगवान कृष्ण से न्याय रहा गया, उन्होंने 2 पैसे का उसको दान दिया, कितना 2 रुपया। तो अर्जुन उसके ब्राह्मण के मन में आया, यार इतना बड़ा आदमी मेरे को 2 रुपया दिया है, अब मेरा क्या होगा। पर अब जो देवे वो ठीक है। वो ब्राह्मण जा रहा था कि इतने में एक फिशरमैन आ रहा था, मछुआरा, उसके हाथ में जो जाल था ना उसमें एक मछली जिंदा थी। इससे रहा नहीं गया, इसने बोला यार मेरा तो 2 रुपये में कुछ होगा नहीं। मछुआरे को बोला ये 2 रुपया तू ले और ये मेरे कमंडल में ये मछली डाल दे, मैं इसको पानी में प्रवाहित कर दूंगा, तो इसका तो भला होवे मेरा होवे के नहीं होवे। वो जैसे ही अंदर डाला, थोड़ा आगे गया कि वो चोर भी सामने से आ रहा था। वो मछली अंदर गई, मछली ने मुंह से वो माणक निकाला, ठीक है, तो इसके मुंह से निकल गया मिल गया। वो जो चोर आ रहा था ना वो डर गया कि साले किसने, कृष्ण भगवान और अर्जुन आ रहे पीछे, वो बोला ये तेरा 100 अश्वर भी ले, मेरे को मत पकड़ा। तो माणिक भी मिल गया और वो भी मिल गया। तो भगवान को पूछा अर्जुन ने कि ये क्या मैटर है, बोले जितनी बार तूने जब दान दिया ना ये अपना ही अपना सोच रहा था, ये जितनी बार तूने दान दिया अपने, और जिस दिन मैंने इसको दान दिया इसके मन में आया कि मुझे लोगों का भला करना है। जिस दिन उसने मन में आया लोगों का भला करना है, इसका भला अपने आप होगा।